नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। जैक बोर्ड ने जारी किया 8वीं का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 3 जून यानी शनिवार को 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट को लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य स्कूल के लॉगिन आईडी से लॉगिन कर रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इससे वे ऑनलाइन मार्कशीट का प्रिंटआउट भी ले सकेंगे और अपने छात्रों के बीच रिजल्ट वितरण कर सकेंगे। जैक बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा 13 अप्रैल 2023 को दो पारियों में आयोजित की थी। पहली पारी सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित थी। इस परीक्षा में पहला पेपर हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा के लिए आयोजित किया गया था, वहीं दूसरा पेपर गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए आयोजित किया गया था। बता दें कि परीक्षा में 94.94% विद्यार्थी सफल हुए हैं। एग्जाम के लिए 5,62,564 छात्रों ने आवेदन किया था। जेएससी के प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के 4,000 एप्लीकेशन रद्द। जेएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए लगभग 4,000 आवेदन निरस्त कर दिए हैं। जेएससी द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए हैं, उन कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन नंबरों की पूरी लिस्ट जारी की गई है। खबरों को माने तो आयोग ने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के आवेदन भी निरस्त किए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन फीस तो जमा किए थे लेकिन सिग्नेचर और फोटो अपलोड नहीं किए। जेएससी के अनुसार बाकी अनारक्षित आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जो अपने वर्ग कोटि में संशोधन करना चाहते हैं, वे अनुमानीय परीक्षा फीस की अंतर राशि डीडी के माध्यम से 8 जून 2023 तक आयोग कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। ओडिशा ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया है कि ओडिशा के बालासोर जिले में बहानगा रेलवे स्टेशन के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की हृदय विदारक घटना से मन आहत है। उन्होंने आगे लिखा है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को दुख की इस विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकरा जाने के कारण रेल हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। झारखंड में 7 जून से बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में 7 जून से बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अभी से लगभग 5 दिनों बाद विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। साथ ही झारखंड में अधिकतम तापमान में किसी प्रकार के बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद झारखंड में 7 जून से झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इस बीच खबरों को माने तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक किसी भी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी ऐसे हैं जहां टेम्परेचर 40 डिग्री को पार कर चुका है। सहारा के 2,00,000 बीमा पॉलिसी होल्डर्स को अब SBI देगी लाइफ क्लेम। सहारा इंडिया में इन्वेस्ट करने वालों को लंबे समय से उनका पैसा वापस मिलने का इंतज़ार जल्द खत्म होने वाला है। मीडिया की खबरों को माने तो सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहकों के लिए उनकी बीमा पॉलिसियां अब SBI लाइफ को स्थानांतरित हो जाएगी। बीमा सेक्टर के रेगुलेटर IRDA ने SBI लाइफ से कहा है कि वह सहारा इंडिया लाइफ के बीमा धारकों की पॉलिसी को अपने पास स्थानांतरित कर ले। ऐसा होने के बाद इन बीमा पॉलिसी को चलाने और क्लेम देने की जिम्मेदारी SBI लाइफ की होगी। बता दें कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस ने साल 2004 में बीमा सेक्टर में काम करना शुरू किया था।
कंपनी के 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बीमा पॉलिसियां बेची गई हैं। इसके बाद साल 2017 में सहारा समूह को लेकर वित्तीय चिंताएं शुरू हो गईं और कंपनी के कामकाज की देखरेख के लिए इरडा ने एक एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त कर दिया। इसके साथ कंपनी पर किसी भी तरह का नया बीमा करने को लेकर रोक लगा दी गई। ओडिशा बालासोर ट्रेन हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ओडिशा के बालासोर में एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने लिखा है, मेरा दिल शोक संतप्त परिवारों के लिए परेशान है। मैं बचाव कार्यों की सफलता और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित दुख इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हों। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। 20% महंगी हुई दालें तो एक्शन में आई सरकार। अरहर से लेकर उड़द की दाल की कीमतों में हाल के दिनों में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने जमाखोरी रोकने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए अक्टूबर तक अरहर और उड़द दाल की भंडारण सीमा तय कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 2 जून को 19% बढ़कर 122.68 प्रति किलोग्राम हो गया, जो एक साल पहले 103.25 रुपये प्रति किलोग्राम था। इसी तरह उड़द दाल का औसत खुदरा मूल्य 5.26% वृद्धि के साथ 110.58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जो एक वर्ष पहले 105.05 रुपये प्रति किलोग्राम था। सरकार ने बंद किए इन 14 दवाओं के फिक्स डोज। सरकार ने 14 तरीके की दवाओं के फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि इसमें आम लोगों के हेल्थ को नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार ने इन 14 दवा कॉम्बिनेशन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। एक्सपर्ट कमेटी ने पाया कि इन 14 फिक्स दवा कॉम्बिनेशन से लोगों के स्वास्थ्य को कोई फायदा हो रहा है, इसकी जानकारी को पुख्ता नहीं किया जा सका, ना ही इसका कोई जस्टिफिकेशन मिला है, इसलिए इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को बैन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इसे लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से एक्सपर्ट कमेटी का मानना है कि एक तो इन दवा कॉम्बिनेशन से स्वास्थ्य लाभ होने के पुख्ता सबूत नहीं है, दूसरा इससे मानव स्वास्थ्य को जोखिम होने का अंदेशा भी है, इसलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर मानव जाति के हित में इन दवा कॉम्बिनेशन को बैन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इससे पूर्व भी सरकार ने देश में 344 कैटेगरी के FDC को बैन कर चुकी हैं। हालांकि इनमें से कई मामलों में कंपनियों ने सरकार के फैसले को अलग अलग अदालतों में चुनौतियां भी दी हैं। RBI के विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के जरिए से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। पंजीयन प्रक्रिया 29 मई को शुरू हुई थी और 20 जून 2023 शाम 6 बजे खत्म होगी। एग्जाम 23 जुलाई 2023 को आयोजित की जाएंगी। RBI भर्ती अभियान का उद्देश्य ग्रेड बी में कानूनी अधिकारी, प्रबंधक, तकनीकी सिविल, सहायक प्रबंधक राजभाषा और पुस्तकालय पेशेवर सहायक लाइब्रेरियन ग्रेड ए के पदों के लिए रिक्तियों को भरना है। RBI की इस भर्ती के लिए जनरल OBC EWS के लिए आवेदन फीस 600 रुपये और SC ST
पीडब्ल्यूडी, जी हां पीडब्ल्यूबीडी के लिए 100 रुपये निर्धारित है। देश में कोरोना वायरस के मिले 237 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 237 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,91,380 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,736 से घटकर 3,502 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 4 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,878 हो गई हैं। मृतकों में वे 2 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की लिस्ट में जोड़े हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 3,502 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। उपचाराधीन मरीजों की यह संख्या कुल मामलों का 0.01% है। वहीं भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% दर्जी गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 4,44,56,000 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है।